खर्चा कम आता है जी, खर्चा कम है इसमें, खर्चा कम है, खर्चा कम और इसकी होन और मुनाफा ज्यादा है, पैदावार ज्यादा, खुदाई दिखाइए जी, गहराई भी काफी भी खूब है देखो। हाँ भाई गहराई भी चेक करो आप, ये देखो कम से कम, हाँ कम से कम 7 या 8 इंच होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज हम एक ऐसे किसान साथी के यहाँ पे आए जो भाई ज्यादातर ट्रंच विधि की खेती कर रहे हैं, क्योंकि भाई ईक की खेती में ना ट्रंच विधि का चलन भी आजकल ज्यादातर है और ज्यादातर किसान साथी ट्रंच विधि की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। तो जो सामने किसान साथी हैं भाई इनसे मिलवाऊंगा और ट्रंच विधि के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे अब ये कर रहे हैं तो कितना मुनाफा ये उठा रहे हैं ट्रंच विधि की खेती में और भाई इसमें क्या क्या फायदे हैं। अच्छा नमस्कार जी, तो जी एक बार नाम पता बताओ अपना। मेरा नाम सुधीर चौहान। हाँ जी, गांव सनेता सफीपुर जी, पोस्ट भाईपुर, जिला बुलंदशहर, बुलंदशहर से। अच्छा जी ये बताओ, जैसे ट्रंच की खेती कर रहे हो आप तो कितनी फायदेमंद साबित हुई है जी? इसमें फायदा बहुत है, सादा खेती से कम 3 गुना फायदा है। 3 गुना फायदा है, हाँ, जो 28, 30 या 26 पे गन्ने बुवाई चल रही है, हाँ, उससे 3 गुना फायदा, 3 गुना फायदा, हाँ। अच्छा तो बढ़िया, मतलब मुनाफा आ रहा है इसमें। कितने समय से कर रहे हो जी? हम 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हो, तो इसमें खर्चा वर्चा तो ज्यादा ना आता? ना, खर्चा कम आता है जी, खर्चा कम है इसमें, खर्चा कम है, खर्चा कम और इसकी होन और मुनाफा ज्यादा है, पैदावार ज्यादा, पैदावार ज्यादा। अच्छा तो जैसे ट्रंच की खेती कर रहे हो तो इसके लिए आपको जो कृषि यंत्र वो तो बदलने पड़े होंगे जी, हाँ जी वो तो, क्योंकि इसके लिए अलग अलग चाहिए, बुवाई का भी, जुताई का भी, जुताई का भी और ये, अच्छा मिट्टी चढ़ाने वाला भी। तो 3 साल से जैसे करते आ रहे हो तो तभी खरीद लिए कृषि यंत्र आपने, स्पेशल लेके आए हैं? पहली साल तो हमें मील ने सहयोग दिया, मील ने सहयोग दिया, मील ने अपने रेजर वगैरह मील ने दिए। कौन सी मील पड़े जी यहाँ पर? ये सावतगढ़ पर, त्रिवेणी सावतगढ़। अच्छा सावतगढ़ मील पर, हाँ जी। अच्छा तो उसके बाद जैसे मील ने सहयोग दिया और फिर अपना तुम फिर कर रहे हो? अपने खरीद लिए, मील ने ही सब्सिडी पे, छूट पे कुछ यंत्र दिए। वैसे भाई देखो गन्ना काफी शानदार है इनका, ये देखो और गली देख लो कितनी चौड़ी है, तो इसमें एक तो हवा लगती रहे है और काफी शानदार तरीके से देखो कितना फुटाव करके चल रहा है, गन्ना दो दो कूण है, कल्ले निकल रहे हैं, एक जुताई कर चुके हैं और आज दूसरी जुताई करने आए हैं। तो जो भाई ये स्पेशल एक कृषि यंत्र है उसे लेकर आए, उसे भी दिखाऊंगा, ट्रंच जुताई का इनके पास रोटावेटर है, ये देख लो भाई। तो भाई इसे भी चलता दिखाऊंगा। अच्छा इसके बारे में और बताओ जी थोड़ा सा। हाँ जी ये बढ़िया चीज है, खरपतवार बिल्कुल नष्ट करता है, नष्ट कर दे। अच्छा एक बार चला चुके हो इसे आप यहाँ पे? अच्छा एक बार चला लिया, तो कैसा काम कर रहा है जी? ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं है इसका। अच्छा ट्रैक्टर पे कोई लोड, ट्रैक्टर तो आपका वैसा भी काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, तो वैसे हाँ इस पे तो कोई लोड पड़ेगा ही ना, 60 हॉर्स पावर है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ एग्रीगेट वालों का है ये, तो ये कहीं चलता देखा जी आपने? हाँ ये चलता देखा हमने। अच्छा हापुड़ के पास में, हापुड़ के पास में, तो फिर विचार बना के एग्रीगेट वालों का ये ले लें। तो कितना समय हुआ इसे लिए हुए? इसे हो गए जी हमें 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने पहले लिया, तो तब से बढ़िया काम कर रहा है भाई। ये देख लो ये 2 रो का है भाई, 3 रो वाले जो आम है जो 28-30 में काम करे हैं, ये 2 रो वाला है, तो ये काफी शानदार लगा हमें, ट्रंच विधि में काफी कामयाब है। और इसमें भाई आपको बता दूं 18-18 ब्लेड लगे हुए, 36 ब्लेडों का सेट है दोनों की तरफ, ये देख लो चौड़ाई बढ़ा दी है और काफी शानदार तरीके से ये जो गलियां हैं इनमें काम करता हुआ चला जा रहा है। अच्छा जुताई बढ़िया करे जी? हाँ, बढ़िया जुताई। तो भाई जुताई उताई सब करते हुए दिखाऊंगा आज मैं इसकी, रोटावेटर जो उससे गहरी जुताई करे। अच्छा ये जो है घटबड़ भी जा जी? हाँ जी घटबड़ भी जा, कितना भी इसे कम कर लो कितना भी ज्यादा कर लो। अच्छा तो कम ज्यादा करा का भी आपने? हमने कराया भी, सेट किया है अपने पे। अच्छा तो भाई कम ज्यादा भी हो जाए अपना सेटिंग कर लो इसकी, ये देखो बाकी आवाज आवाज ज्यादा तो ना इसमें, ना ना कोई आवाज नहीं है भाई, कोई ना खड़का बता रहे ना आवाज। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे ट्रैक्टर में आपके 16 के टायर लगे हुए हैं जी, तो ये भी कामयाब है इसमें? हाँ जी ट्रंच विधि में ये कामयाब है, कोई पेड़ हाँ, में का क्योंकि कोई देखो काफी ज्यादा चौड़ाई है इसकी, तो इसमें पेड़ भी ना टूटते, कोण ना टूटते। हाँ और चाहो तो सह फसल भी कर सको, सह फसल भी कर सको, हाँ मक्का बोलो जुताई करके और उसके बाद सह फसली, सह फसली कुछ भी बो सको, ये भी बढ़िया है और खुल के हवा लगे और ऊंचाई भी ज्यादा जाती कही है गन्ने की। हाँ जी। बधाई बढ़िया हो गया, ऊंचाई भी। अच्छा मील कुछ महंगा ले गन्ने को थोड़ा बहुत? ये इतने वजन तो निकले, रिकवरी तो ज्यादा निकले, रिकवरी ज्यादा, रिकवरी ज्यादा है।
भाई रिकवरी ज्यादा मील की बता भी रहे हैं। रिकवरी ज्यादा है और किसान की भी अच्छा, रिकवरी ज्यादा मील है, जो प्रोत्साहित कर रही है कि ट्रंच ट्रंच विधि विधि कर रही से है ज्यादा। गन्ना करो। हाँ ट्रंच से ज्यादा करो। अच्छा भाई, ट्रंच विधि से गन्ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है मील किसानों को, तो भाई किसान भी बता रहे हैं कि हाँ वाकई फायदेमंद है। तो फायदेमंद से गांव ज्यादा, में कितनी खेती हो रही है ट्रंच से? टन से हमारे गांव में कम से कम 500-700 बीघा होगी। 500-700 बीघे। हाँ तो फिर वीडर एक ही है तुम्हारे हाँ पास एक और भी वीडर है? एक ही है। तो एक वीडर ही सही मतलब हाँ कर इससे ही दो काम कर रहे कवर। हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, आसपास के गांव में काम करके हमें हम। अच्छा, हाँ अपना भी काम कर रहे हो, किराए पे भी किराए कर पे रहे भी हो, काम कर रहे हैं। तो औसत बढ़िया आ रहा औसत ट्रैक्टर बढ़िया से? आ गए, 200 रुपये बीघे जुताई करें। बढ़िया जी बढ़िया। चलो तो भाई साहब चलता और दिखाओ थोड़ा सा ठीक है कैसा काम कर रहा है, चलता भी देखेंगे। तो भाई चलता और देखियो, क्योंकि पहली बार मैं ट्रंच विधि के से वीडर की वीडियो बना रहा हूँ, मतलब थ्री रो की तो काफ़ी वीडियो बनाई है। तो भाई इसका आज काम देखना कैसा काम करता है। तो भाई चलता भी देख लो कि कैसा चल रहा है वीडर, ये देखो भाई काफी शानदार तरीके से जुताई करता जा रहा है, हड़का झड़का आवाज कुछ नहीं, ये देखो। और जो ट्रंच विधि में ये चीज और देख लो कि भाई नुकसान बिल्कुल भी ना हो, बाकी भाई मैं तो दिखाई रहा हूँ, आप खुद देख लो चलता हुआ तो ट्रंच विधि में कैसा काम कर रहा गन्ना वीडर, ये देखो भाई। और वाकई फुटाव बहुत शानदार है और गन्ना वीडर भी भाई कमाल कर रहा है, ये देखो। किसान भाइयों इम्प्लीमेंट जो भी लो शानदार लो, और भाई ये भी काफ़ी शानदार है, किसान भाई बता रहे हैं कि 5-7 महीने पहले खरीद के लाए, आज भी बेहतरीन काम कर रहा। और भाई आप काम करता हुआ भी देख लो ईख के खेत में, तो भाई ये यूँ समझो कि बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। देख लो गन्ना वीडर की परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जिसे बेहतरीन बोल रहे हैं। और ट्रंच विधि में तो काफी कामयाब लगा है, दो रो को कवर करता चलता है और अच्छी जुताई गहराई, ये देखोगे आप खुद ही चेक कर सको, ये देखोगे। अच्छा भाई साहब एक चीज़ और बताओ, मानो कोई किसान इसे लेना चाहे तो कैसे खरीद सके? इनकी हर शहर में डीलरशिप है, अच्छा जैसे हमारे बुलंद शहर में एक राठौर के नाम से है, हाँ हाँ वो बेचते हैं, एक सिंह के नाम से वो बेचते हैं, अच्छा अच्छा हाँ हाँ और नहीं हापुड़ में तो इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री है ये, डायरेक्ट अच्छा। डायरेक्ट वो कर लो नंबर इनके, तो नंबर पर है। इससे अलावा कोई और भी इनके इनका कृषि यंत्र है तुम्हारे पास? हाँ इनका वो है कंप्यूटर मांझा, कंप्यूटर मांझा भी है, हाँ अच्छा का हाँ वो बढ़िया वो चले, देखते हैं बढ़िया चलता है। अच्छा कंप्यूटर मांझा भी लिया आपने और ये ले लिया इनका, हाँ और एक इनका ये लिया है स्प्रे मशीन, स्प्रे मशीन स्प्रे टैंकर अच्छा ट्रैक्टर से चलता है, हाँ। तो ये दो तीन आपके पास कृषि यंत्र मतलब बढ़िया चल रहे हैं, और जैसे ये भी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सर्विस देते हैं ये, सर्विस भी बढ़िया, हाँ इनकी होम डिलीवरी है, होम हाँ सर्विस है भाई सर्विस भी बढ़िया बता रहे हैं। और बाकी आप खुद आपने चलता भी देखा, फार्मर ट्रैक 60-60 पे चल रहा था। अच्छा एक चीज और बताओ, मानो इसे कोई 40 हॉर्स पावर के आसपास का ट्रैक्टर हाँ, चलाना इसे चाहे, 35 हॉर्स पावर तक का भी ट्रैक्टर, 35 हॉर्स पावर का भी हाँ चला मेरे लेगा? 41 हमारे पास एक 41 ट्रैक्टर है, उस पर भी हाँ चलाया है, उस पर भी चलाया, उस पर भी चल बढ़िया जाएगा, चलाया, लेकिन कामयाब उसमें है ट्रंच विधि ट्रेंच में, विधि है, हाँ क्योंकि भाई इसके ना ये चौड़े 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 हैं होते दोनों, हैं, हाँ तो ट्रंच विधि में हाँ कामयाब है, चौड़े स्पेशल ट्रंच के लिए ही स्पेशल बनाया ट्रेंच गया के लिए है ये, बनाया है ये, हाँ क्योंकि इनके पास में तो ज़्यादातर ट्रंच की खेती है, वो वाली ईख भी ट्रंच वाली है, ये बिल्कुल वाली भी इनकी। हाँ बाकी एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ, मैं भी काफ़ी किसानों से मिल रहा हूँ और खेतों पे घूमूँ, तो ये ईख मुझे ज़्यादा बेहतर लगी उससे,
क्योंकि एक तो इसमें फुटाव ज्यादा है। फुटाव देखो ना, एक हाँ। पेड़ में देखो कितने कितने फुटाव है, दिखाओ हाँ। देखो कितने फुटाव है, एक फुटाव ही में एक में छह छह सात सात आठ आठ दस दस के फुटाव है। फुटाव भी ज्यादा है और भाई ये बता रहे हैं कि इसमें एक तो मेहनत कम लगे, मेहनत कम लगे और लागत भी कम लगे, है जी, लागत भी कम, लागत भी कम, मेहनत भी कम, और इसमें जो मुनाफा ज्यादा है, जो इसकी होन है वो ज्यादा हो। तो भाई आपने इनकी ईख भी देखी, कृषि यंत्र और ट्रैक्टर भी देखा। पिछले साल एक एकड़ में लगाई थी, अच्छा, तो उसमें एक एकड़ में 600 क्विंटल गन्ना निकला, 600 क्विंटल, 600 क्विंटल गन्ना रहा उस पर। अभी आप जाओ तो वीडियो बनाते ले जाना हाँ। तो उस पे मील वालों ने बोर्ड भी लगाया है, बोर्ड भी लगाया हाँ। अच्छा जी, आज ही लगा के गए हाँ। बोर्ड लगा के गए, अच्छा जी, मतलब इतना बेहतरीन उत्पादन है वो है यहाँ तंत्र विधि का। अच्छा भाई बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। अच्छा इसका सहयोग कैसा रहा, जैसा आप चलाते आ रहे हैं? का सहयोग बहुत बढ़िया है। हाँ, देखो इसमें लेबर की बहुत बचत है, लेबर की बचत है। चलाने के बाद अगर हम उससे भी निकालें नराई हाँ। मजदूरों से हाँ। तो थोड़ा सा बीच रहता है, मजदूर अच्छा, आगे लगते हैं। खुदाई दिखाइए जी, गहराई भी काफी भी खूब है देखो। हाँ भाई गहराई भी चेक करो आप, ये देखो कम से कम, हाँ कम से कम 7 या 8 इंच होगी, हाँ 7-8 इंच गहराई करता हुआ जा रहा है, ये देखो आप खुद ही देख लो भाई। तो ये तो घास का नाम निशान मिटा दे जी, बिल्कुल घास का, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से काम करके भाई गहराई के साथ, और बढ़िया, मतलब ये समझ लो अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है खेतों में। हाँ तो भाई ये थी शानदार वीडियो, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके अवश्य बता देना, और भाई जो भी किसान साथी ट्रेंच विधि खेती कर रहे हैं वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद, जय जवान जय किसान मेरे सभी किसान भाइयों को, राम राम।